एक बेकाबू ट्राला बिजली दे ट्रांसफार्मर दे नाल जा टकराया ते घटना सीसीटीवी दे विच कैद होई है। तस्वीरां दे विच साफ देखा जा सकता है कि सामने तो आ रहा एक ट्राला पहला तो एक ट्रक दे नाल टकराउंदा है। हालांकि ट्रक जदों टक्कर मार के साइड हो जाता है तो उस तो बाद दे विच सड़क दे दूसरे पासे जाके एक बिजली का ट्रांसफार्मर लग्या हुंदा है, उस दे विच सीधा जाके ट्राला जा टकराउंदा है, जिसके कारण कहा जा रहा है कि मौके पर पहला तो धमाका हुंदा है अते बाद दे विच स्पार्किंग हुंदी भी ट्रांसफार्मर दे विच नज़र आई है। हालांकि इस घटना दे विच कहा जा रहा है कि किसी दे भी जानी नुकसान तो बचा रहे हैं, पर कहा जा रहा है कि पिछों दी लगातार ये ट्राला बेकाबू होकर आ रहा है। कई दुकानों के इसने पहला टक्कर मारी तो उस तो बाद दे विच कहा जा रहा है कि यह बिजली के ट्रांसफार्मर के नाल जाके टकराने बाद रुक जाता है। हालांकि हादसे की जाँच लगातार की जा रही है, पर अपने आप दे विच कहा जा सकता है कि यह एक बड़ा हादसा है। तस्वीर भी इस दिया सामने आई ने क्योंकि ट्रांसफार्मर के नाल ये सीधा जाके ट्राला टकराया है, जिसके कारण एक बड़ा हादसा होने तो भी बचा रहा है। हालांकि किसी भी किस्म के जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। तो समाणा दे विच यह भयानक हादसा वापरिया। हाँ जी, तकरीबन यह हादसे हाईवे के उत्ते तकरीबन होंदे ही रहिंदे हन। तीन चार हादसे पहले भी हो चुके ने। यह हादसा कोई तकरीबन सवेरे 6:15 होया, शायद ज़्यादा ड्राइवर की कोई अख लग गई या मोबाइल वगैरह से गल कर रहे होगा, जिसके नाल तकरीबन 2,00,000 रुपये का नुकसान होया। पुलिस ने इतलाह कर दी गई है तो जल्दी इस उत्ते जिहड़ी बनदी कार्रवाई करके काम चालू कर दिया जाएगा। महकमे का नुकसान होंगे कार्रवाई कराते हो तुम इन्हों को? हाँ जी बिल्कुल, जी FIR की होगी कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई होगी। समाणा के भवानीगढ़ रोड से ट्रैफिक का तुम हालात देख रहे हो, ट्रैफिक इन्ना ज़्यादा है भी तुम पटियाला रोड जो पाथना रोड है उस रोड से भी इन्ना ट्रैफिक नहीं होना। लेकिन सड़क चोरी करने 2 साल पहले प्रपोजल से सड़क के किनारे तुम देख रहे हो भी इन्नी थां लोक निर्माण विभाग वालों छड़ी गई है, जी 8 फुट थां है दोनों पासे 8-8 फुट थां ये चोरी सड़क होनी है। लेकिन 2 साल तो वक्त हो गया, इसनों चौड़ा नहीं किया गया, अगे प्रीमिक्स पै रहे। लेकिन इतने जोड़ा शहरी इलाका है इतने ट्रैफिक इन्ना ज़्यादा है भी इतने हादसे हो रहे हैं और तुम देख रहे हो ये ट्रक ने संतुलन बिगड़ गया, ड्राइवर का की कारण होया। लेकिन इन्हें बिजली बोर्ड का जो ट्रांसफार्मर इतने लगे था वो तोड़ दिता और सप्लाई भी बिजली की इस एरिए बंद हो गई है। इतने संधु साहब खड़े इस इलाके के बसनीक हैं। संधु साहब, ये सड़क के की हालात हैं? बहुत बुरा हालात है जी, यदा कोई मालिक नहीं है इसका जी, इन्हू 2 साल हो गए सड़क बनती, अजे तक ये कंप्लीट नहीं हो सकी जी। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ये हर वेले मतलब सड़क क्रॉस करने में बहुत टाइम लग जाता तो कर रहे थे, तो जिस तरह बहुत मुश्किल है जी। हादसा किसी के घर में वजदा तो घर तोड़ के बढ़ जाता अंदर जी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है पर सड़क का कोई प्रबंध नहीं है। जे दोनों पास चोरी सड़क होनी थी 2 साल पहले अधूरी छड़ी हुई है, तुम की मंग करते हो? वो तो 13-13 फुट इन्होंने आले दुआले गटका पाया है जी, उस तो बाद काम बंद हो गया। सरकार बन तो पहला तो पिछली सरकार ने इनू शुरू किया, उस बाद सरकार ने काम ही नहीं किया कुछ। ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बिजली बोर्ड के मुलाजम भी खड़े हैं, बिजली बोर्ड में गलबात करते हैं कर्मचारियों भी किन्ना अंदाजा नुकसान होया होना, सप्लाई किन्ने देर तक इतने बहाल हो जाएगी। हाँ जी, की नाम है तुम्हारा? मेरा जोगिंदर सिंह है जी। जोगिंदर सिंह जी, ये जो ट्रांसफार्मर तुम आगे देखे तो महकमे के ट्रांसफार्मर है, ये किस की कारण बने दस? ये ट्रक वजा जी, लखा की तादाद जो नुकसान हो गया जी, खंभे तोड़ दते ने बिजली बोर्ड के, GC के अनाज मंडी सवेर की फाल्ट पई जी लैन। सप्लाई में किन्ना टाइम लग जू? घट्टो घट जी सारा दिन का कम है जी, ये हुण बंदे लगे हुए ने काम लगातार कर रहे हैं जी। किन्ने ट्रांसफार्मर थे इत्थे? 2 ट्रांसफार्मर ने जी, दोनों तोड़ते लखां दी तादाद जे खत्म हो गए ट्रांसफार्मर दोनों, तेल तूल भी सारा वड्डी लाइन के खंभे तोड़े पए ने जी सारे। लोग मंग कर रहे हैं भी जिहड़ी सड़क है समाणा भवानीगढ़ बंदा सिंह बहादुर चौंक तो लेके बंबणे पिंड तक इहनू चौड़ा करन दा जिहड़ा प्रपोजल 2 साल पहला सरकार ने पिछली सरकार ने करे सी, उसनू दोनों पासे 13-13 फुट चौड़ा करना है। पत्थर पाया गया लेकिन प्रीमिक्स नहीं पाया गया, आवाजाही ज़्यादा होने करके हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, कई कीमती जान भी गई हैं। कोई बड़ा वाहन जिस तरह हादसा हुआ है इस ट्रक चालक वालों उसका किस कारण से संतुलन बिगड़िया, 2 बिजली के ट्रांसफार्मर टूट गए, बिजली सप्लाई इस इलाके से भंग हो गई है। कैमरामैन BK गर्ग के नाल पुरशोत्तम कौशिक, न्यूज 18 पंजाब समाणा।